आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के जीवन में रंगों की बौछार, नीले पीले लाल गुलाबी ऐसे ही रंगों से सजा रहे आपका जीवन हमेशा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं होली पे। तो खूब खेलिए रंग सारा। और हाँ, रंग ये कलर वाला जो रंग होता है इसको आप नहीं खेलें, सिर्फ गुलाल और अबीर से ही होली खेलें तो ज्यादा अच्छा होता है। और खूब सारा ठंडा ही पिए, खूब सारी गुजिया खाएं, खास मिठाई गुजिया होती है, तो सबसे पहले आप लोग गुजिया खा लीजिए। हो सकता है हमारी गुजिया परफेक्ट ना बनी हो, लेकिन हाँ स्वादिष्ट बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि जो भी हमने बनाया था घर के इंग्रेडिएंट से बनाया था, यानी जो खोआ हुआ होता है ना वो घर का बना हुआ होता है, तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट गुजिया बनती है। तो दोपहर के लंच में हमने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि आज दिन भर बहुत सारा काम था, तो हमने फटाफट से दोपहर के लंच का काम निपटाया। और आप लोगों के साथ आज कोई जैसे रूटीन होता है ये सारी चीज़ें नहीं शेयर की, तो हमने सोचा चलो भाई आज यहीं से शुरू कर देते हैं। तो दोपहर के लंच में खिचड़ी बनाई थी, सबको खिचड़ी खिलाया और खुद भी खाने बैठ गए। साथ में दही है, पापड़ लिया है। खिचड़ी यानी इसमें दाल नहीं है, इसमें आलू गोभी मटर टमाटर ये सब डाल के हमने बनाया था। वैसे जो ठंड की खिचड़ी होती है उसका स्वाद अलग होता है, लेकिन अब खिचड़ी में उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता। तो बस खाना वाना खाया, बर्तन वर्तन धुला और अब गुजिया बनाने की तैयारी कर दी। तो सबसे पहले यहाँ पे काजू लिया है, बादाम लिया है। क्वांटिटी हमने मतलब ज़्यादा नाप तोल के नहीं लिए है, बस अंदाज से लिया है। और इलायची जो होता है ना, इलायची को छिलके के निकाल के उसके जो दाने होते हैं उनको हमने डाल दिया। इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, चाहे तो आप घी में भून लें या फिर आप इनको ड्राई रोस्ट कर लें हमारे तरीके से। तो बस इनको एक प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि कढ़ाई होती है गरम और ये जल जाएंगे। तो बस इसी कढ़ाई में आप सूजी को भून लेंगे। सूजी भी हमने नाप तोल के नहीं लिया है। एक पैकेट पूरी थी 500 ग्राम की, और एक पैकेट जो हमने ली है ना थोड़ी सी खुली थी, उसमें से हमने अलग अलग आधा सूजी यूज किया था। और सूजी भूनने में कम से कम भूनने में 20 से 22 मिनट लगेगा। अगर आप धीमी धीमी आँच पे सूजी को भूनेंगे ना तो 20 से 22 मिनट लगेगा, और आप तेज़ आँच पे भून देती हैं तो फिर जल जाएगा और स्वाद भी नहीं आएगा। तो बस सूजी भून चुकी है, तुरंत इसको भी कढ़ाई से खाली कर लेनी है। वही सेम कढ़ाई गर्म रहेगा तो सूजी भी नीचे से जल जाएगा। तो इसको बस ऐसे बड़ी वाली थाली में मतलब पलट लें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब सूजी ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसमें मसाले मिलाएं। तो चलिए सबसे पहले ये जो मसाले हमने भुने थे, यानी जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे, उनको अब हम पीस लेंगे। पीस के इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी गुजिया एक भी फटे ना। पिछली बार हमने ड्राई फ्रूट्स को कट करके डाला था तो बहुत सारी गुजिया हमारी फट गई थी बीच से, इसलिए आज हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और सारी की सारी जो भी हम डालेंगे इसमें पीस करके कद्दूकस करके डालेंगे। गौरी भी यहाँ पे आई है ना, इसको कान में सुनाई नहीं दे, मिक्सी बहुत तेज़ चलती है और मिक्सी चलाते समय, ग्राइंडर चलाते समय मुझे बहुत डर लगता है। जानते हैं क्यों? बिजली का डर नहीं लगता, इसलिए नहीं कि मुझे बिजली करंट मार देगा, इसलिए डर लगता है कहीं इसके अंदर का सामान बाहर ना जाए और सब छीट ना जाए, मुझे दोगुना मेहनत ना करनी पड़ जाए, इसकी वजह से मुझे मिक्सी चलाते हुए डर लगता है। और मेरी आदत ये होती है ना, मिक्सी के जार में थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ होता है, कोशिश ये रहती है कम डालूं, लेकिन ये होता है कि चलो एक बार में पीस के हटा दे, इसकी वजह से कभी कभार ना मिक्सी के बाहर जो जार में होता है वो बाहर आ जाता है, जैसे चटनी वगैरह। तो बस सब कुछ तैयारी हो चुकी है, फटाफट से अब मिक्स कर लेते हैं। वीडियो में देखने में ऐसा लग रहा है झटपट सारे काम हो चुके हैं, लेकिन पूरा दिन लग चुका है गुजिया बनाने में। तो सबसे पहले सूजी डाली है, उसके बाद जो काजू बादाम पीसा था उसको डाल दिया है, और यहाँ पे सूखा नारियल इसको घिस करके लिया है, कद्दूकस कर लिया है, उसको डाल दिया है, और ये क्या बोलते हैं इसको, चिरौंजी बोलते हैं, चिरौंजी डाल दिया है थोड़ा सा। उसके साथ साथ यहाँ पे कटे हुए किशमिश डाल दिया है, किशमिश को बहुत ज़्यादा मतलब बारीक बारीक चक्कू से कट कर दिया है। ये सारी चीज़ें तैयारी एक दिन पहले से हमने थोड़ी बहुत कर ली है, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह कटिंग का, बाकी ये सब आज ही भुना है, मतलब तुरंत ताज़ा ताज़ा तैयार किया। और खोआ हमने घर पर ही बनाया था, यानी 6 लीटर दूध हमने जलाया था, 6 लीटर का खोया बनाया था। और खोया को ना बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है, हल्का सा इसको मतलब हल्का गीला रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई खोआ हो जाएगा ना तो ये सूजी में ऐसे होता ना अच्छे से मिक्स नहीं होता। सूजी में जब तक कि ये खोआ अच्छे से लिपट ना जाए तो मतलब बढ़िया गुजिया मुझे तो नहीं लगती। हर बार हम इसी तरीके से गुजिया बनाते हैं, पता नहीं पिछली बार शेयर की थी आप लोगों के साथ कि नहीं शेयर किया था, इस बार भी लेट हो चुके हैं। देखिए किसी किसी के यहाँ जिस दिन होली होती है उस दिन गुजिया बनता है, किसी किसी के दिन किसी किसी के यहाँ 2-3 दिन पहले बन जाती है, लेकिन हमने सोचा था 2 दिन पहले बना लेंगे गुजिया, वीडियो की छुट्टी ना होने की वजह से लेट हो चुके हैं। हालाँकि लेट तो नहीं है, लेकिन यह है कि वीडियो एक दिन पहले जाती तो बहुत अच्छी बात होती,
लेकिन वीडियो होली के दिन जाएगी तो भी अच्छी बात है, आप लोग गुजिया खाएंगे इसी बहाने हमारे हाथ की बनी हुई। और बस यहाँ पे लिया है मैदा, मैदा को छान लेंगे, संतुष्टि के लिए छान लेते हैं। वैसे मैदा भी मतलब तुरंत आया तो इसमें कुछ होगा नहीं, नया मैदा है, पुराना होता है 2-3 महीने से रखा होता है तो उसमें होता है कि कीड़े पड़ जाएंगे, या फिर बारिश का सीज़न होता है तो भी डर होता है कीड़े पड़ जाएंगे। तो बस मैदा छान लिया है, इसमें हम मोयन डालेंगे, चाहे तो आप देसी घी का डालें, चाहे डालडा डालें या फिर रिफाइंड डालें। तो यहाँ पर हमने सनफ्लावर ऑयल लिया है इसका मोयन देने के लिए, और बहुत ही अच्छे से इसको मोयन अच्छे से देंगे दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के। मोयन आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि जैसे आप मुट्ठी बांधेंगे, मुट्ठी अच्छे से बंध जाए तो समझिए आपका मोयन अच्छे से तैयार हो चुका है। और मोयन देने के लिए आप कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से मैदा को ऑयल में, मतलब इस तरीके से हाथों से देखिए, ये इस तरीके से मुट्ठी बांधने लगे बेसन ना सॉरी मैदा, तो आप जान जाइए कि ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, हमारा मोयन लग चुका है मैदा में। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को मतलब टाइट ही गूंथे, क्योंकि बहुत मतलब होता क्या है ना, जो हम गुजिया का आटा लगाते हैं बहुत ज़्यादा गीला कर देते हैं, तो जब हम गुजिया बनाते हैं कभी कभी आपने देखा होगा गुजिया कढ़ाई में डालते ही बबल आने लगते हैं, फूलने लगते हैं, तो इसकी वजह से कि जब आटा बहुत ज़्यादा गीला होता है, आटा टाइट आप गूंथेंगे तो बहुत ही बढ़िया गुजिया बनेंगी, अपना बबल ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बस आटा तैयार हो चुका है, इसको गीले टावल में ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना गुजिया बनाना शुरू कीजिए। तो बस हम और गौरी बैठ चुके हैं गुजिया बनाने, सबसे पहले छोटी छोटी लोइयां लेके, और पहले तो रोटियां तैयार करनी होगी, बहुत मेहनत लगती है गुजिया बनाने में, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं बेलने वाले। अब बेलने के लिए तो मैं ही बेलूंगी और कोई तो बेलेगा नहीं, गौरी तो बस भरने का काम कर रही है, और मतलब ये हुआ ना कि गौरी भर ले रही है, छोटी है लेकिन मतलब होता है ना कि अभी बहुत छोटी है जैसे गुजिया बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि अब घर में कोई है नहीं तो फिर हम ही गौरी बचे थे, इनके पापा और गोलू तो ये काम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बस गुजिया को इस तरीके से सांचे पे रख लेना है, रोटी को बिछा लेना है, दोनों तरीके से आपको मसाला अंदर भर देना है, फिल कर देना है, और इस तरीके से बंद करके इनको निकाल लेना है। इस बार जो गुजिया की मशीन आई है ना बहुत बड़ी थी, पिछली वाली पुरानी वाली मेरी गुजिया की मशीन मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ खो गई थी। और ये देखिए गौरी महारानी जी बनाने गुजिया बैठी हैं, कितने तरीके से खेल खेल में सारी गुजिया गौरी ने बना दी, मतलब मुझे आशा नहीं था कि गौरी गुजिया बनाएगी, कभी खेलने लगती कभी बनाने लगती है, तो बच्ची अभी तो फिर कहाँ से इतना ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है ना, अब हम लोगों को है हर हाल में बनाना ही बनाना है चाहे जैसे भी करके, लेकिन अब बच्चों का क्या होता है, थोड़ी देर बनाते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, थोड़ी देर खेलने चले जाते हैं, टीवी में भी बार बार झांक ले रही, तो बस इतना सारा एक बार बना था तो हमने सोचा सबसे पहले इनको फ्राई कर लेते हैं, नहीं तो ये सूख जाते हैं ना तो भी दिक्कत करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, जितनी गुजिया हमने बनाई थी इस बार एक भी गुजिया तेल में खुली नहीं, पिछली बार तो इतनी सारी गुजिया खुल गई थी, इतनी सारी गुजिया खुल गई थी कि सारे तेल गंदे हो चुके थे, लेकिन इस बार जो हमने गुजिया बनाई ना बिल्कुल ये भी खुली नहीं, और बहुत ही अच्छे से। और कुछ लोग होते हैं ना जैसे गुजिया को सफ़ेद सफ़ेद ही निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो गुजिया होती है खूब अच्छे से लाल लाल हो जाती है तभी उसको निकालते हैं, एकदम गोल्डन तरीके से, मतलब गोल्डन हो जाते हैं तभी गुजिया अच्छी लगती है, देखिए इस तरीके से। कुछ लोग होते हैं सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल ऐसे, तो मुझे देखने में भी नहीं अच्छा लगता, खाने की बात छोड़ो, तो मैं इसी तरीके से गुजिया एकदम लाल लाल गोल्डन कलर की बनाती हूँ। और गुजिया का साइज़ इस बार बहुत बड़ा था, शाम के टाइम अभी कल होली है तो दही जमा दी, क्योंकि कल दही बड़ा बनेगा, तो जितना दूध आया था 1.5 लीटर सारा का सारा दही जमा दिया है, दूध को गर्म करके अच्छे से, इस जग में ना दही लगी थी तो इसी में हमने जमा दिया। और दही बड़े बनाने के लिए दाल तो भिगोनी ही पड़ेगी, तो दाल में हमने सबसे पहले कंकड़ पत्थर देख लिया है, इसको बीन लिया है, और उसके बाद बस इसको पानी से 2-3 बार भी धुल लेंगे, उसके बाद इसको भिगो देंगे, रात भर भीगेगी दाल। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आप सभी को रात का नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी स्वस्थ मस्त होंगे। और मुझे पता है मेरी सारी बहनें आजकल बहुत ज्यादा बिजी होंगी, सभी के घरों में होली की तैयारी चल रही होगी, या फिर कहें कि तैयारी सबकी हो गई होगी, मेरी तैयारी थोड़ा देर से शुरू हुई इस बार। पहले तो क्या होता था, गुजिया वुजिया बना लेते थे, लेकिन आज है मंगलवार को गुजिया बनी है। अभी सुबह 5 बजे से उठ करके हमारे हाथ और पैर दोनों चल रहे हैं लगातार, अभी रात के 9 बजने वाले हैं और अभी भी किचन में ही पूरा दिन बीत गया। सुबह वॉक पे गए थे, फिर कुकिंग, दोपहर का झाड़ू पोछा सारे काम, और वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, कोई भी त्योहार आए ना तो एक काम के साथ 4-4 काम साथ लाते हैं, काम करते करते पूरा फेस सूख जाता है, चेहरे की रौनक गायब हो जाती है, इतने सारे काम हो जाते हैं। ये दोनों जो कंधे है ना इतना दर्द कर रहे हैं बेलन चलाने से, दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक बेलन चला 3 घंटा,
और बहुत ही मतलब मैदा जो होता है बहुत ही कड़क होता है, उसको बेलने में बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी होती है। चावल रख दिया है, दाल चावल इस टाइम पे बनाया है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कभी कुकिंग करने का। तो दाल बन चुकी है, चावल भी सीटी आ चुका है, चावल भी बनकर तैयार हो चुका है, दही जमा दी है सही के लिए, दाल भी हो दी है दही बड़े के लिए, सारी तैयारी हो रही है। दीवान खोला गया है, उसमें नई साल निकाली नहीं गई थी इस बार, दीवान खोला गया है, उन्हीं कपड़े रखे जा रहे हैं, थोड़े बहुत हमने सोचा थोड़े बहुत कपड़े रख दिए जाते हैं जो धुले गए थे कपड़े, बाकी धीरे धीरे रखे जाएंगे कंबल वगैरह। तो भाई यही सारे काम चल रहे हैं, सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। शाम के टाइम वॉक पे भी नहीं गए थे, अब सुबह वॉक पे जाएंगे, कल होली है लेकिन कल भी वॉक पे जाएंगे। सुबह के टाइम वॉक कर रहा हो ना तो पूरे दिन निश्चिंत हो जाता है, मतलब फुर्सत हो जाती है वॉक से। हालांकि आज हमने बहुत सारे रूटीन नहीं शेयर किए क्योंकि मुझे पता था आप लोगों के साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करनी है। हाँ देर हो चुकी है, मुझे पता है देर हो चुकी है, रेसिपी आप लोगों के कोई काम नहीं आएगी, लेकिन कम से कम आप इसी बहाने देख तो लेंगे कि प्रतिमा के घर में गुजिया कैसी बनती है, फिर प्रतिमा गुजिया किस तरीके से बनाती है। तो सो कल आप लोगों के साथ होली के दिन ब्लॉग जाएगा, और इस बार सोच रहे हैं ना डेली की डेली रोज ब्लॉग जाया करे जो नए ब्लॉग शूट हुआ करते हैं। बाकी ऐसे कोई ब्लॉग होते हैं जो लेट लतीफ चले जाएं तो कोई बात हो नहीं होता, लेकिन त्योहार के ब्लॉग त्योहार पे ही जाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो यही सब होगा शाम के टाइम। अब दाल चावल बना है, दाल चावल हम सब लोग खाएंगे, सोएंगे, मटर आई है, मटर छीलनी है, बहुत सारी तैयारी करनी है, काजू भिगोने हैं, कल के लिए सारी तैयारी करनी है। कल पूछ रहे थे कौन चिप्स खाएगा कौन पापड़ खाएगा, कोई भी तैयार नहीं है मेरे यहाँ चिप्स पापड़ फ्राई तेल वाला खाने का, किसी सब तैयार है, तो मुझे तेल निकले तैयार नहीं हूं। तो कहां हम तल्ले, हम तो तुमको तेल में बोर देंगे, तुम तल्ले के लिए कहां कर रहे हो, तेल में हम तुमको बोर देंगे चिप्स पापड़ की जगह। इतना कल चिप्स पापड़ छानेंगे कि तुम दिन भर चिप्स पापड़ ही खाना, ठीक है, छान के बरसाती में गठिया रख देंगे और तुम खाना, कैसे रहा आइडिया। गौरी कह रही तुम छानोगी नहीं तो खाएगा कोई, हम कह नहीं भैया कल छूट है, कल जितना मर्जी उतने चिप्स पापड़ तुम लोग खाओ, नहीं मत कहें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, बस अब सोच रहे हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, होली ब्लॉग में, जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चेहरा तो आज से ही मुरझाया है, थकान थकान सी लगी है, कल देखते हैं कल क्या होगा, और थोड़ी देर सोएंगे रात के टाइम ना तो थोड़ा सा एनर्जी आएगी, मतलब थकान भी दूर हो जाएगी, अगर नहीं थकान दूर हुई तो दर्द की दवा भी खा लेंगे क्योंकि कंधे बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। हालांकि कल ज्यादा इतना काम नहीं है कोई, आज ही ज्यादा काम था, गुजिया बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हैप्पी होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी के जीवन में रंगों की बौछार, नीले पीले लाल गुलाबी ऐसे ही रंगों से सजा रहे आपका जीवन हमेशा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं होली पे। तो खूब खेलिए रंग सारा, और हाँ रंग ये कलर वाला जो रंग होता है इसको आप नहीं खेलें, सिर्फ गुलाल और अबीर से ही होली खेलें तो ज्यादा अच्छा होता है, और खूब सारा ठंडाई पिए, खूब सारी गुजिया खाएं, खूब सारी होली खेलें, और मिलते हैं फिर होली वाले ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।